श्री कृष्ण के चरित्र से सीखने वाली यह बात है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा चलो। श्री कृष्ण को भी पता था कि द्रोणाचार्य भीष्म ये लोग धर्मात्मा लोग हैं, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो वो भी अधर्मी हुए, और जो अधर्मी हैं उनका नाश भी जरूरी है। और उन्होंने छल किया तो उनको श्री कृष्ण ने भी छल से ही समाप्त किया। मर्यादा उसके सामने दिखाओ जो मर्यादा जानता हो, इज्जत उसको दो जो इज्जत को समझता हो। कई बार हम उन लोगों को इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं, कदर करते हैं, उन्हें उसकी वैल्यू होती ही नहीं। और कई बार जो इंसान गलत होता है हम उसे कुछ कह ही नहीं पाते, चुपचाप सहते रहते हैं। कोई भी इंसान अगर हमसे उम्र में बड़ा हो और पद में बड़ा हो या हमसे दान पुण्य अधिक करता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ अन्याय करे या गलत चले। अगर कोई आपके साथ गलत चलता है तो वहाँ मर्यादा काम नहीं आती। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र से ये ज़रूर सीखना चाहिए कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही चलो। अगर आप दुष्ट के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। जो इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हो और आपका सहयोग करता हो तो उसके साथ आप भी अच्छा व्यवहार करो। उसकी आप भी कभी आलोचना मत करो और उसके साथ हमेशा अच्छा चलो। जय श्री कृष्णा।